show that the function given by f of x is equal to e raised to the power 2x is strictly increasing on R. अब फिर से इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है किसके अंदर, R के अंदर, मतलब R रियल वैल्यूज के लिए इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. सो मैं फंक्शन ही ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2x, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है. इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x हो जाएगा पहले, और 2x का फिर से करेंगे तो 2, डिफरेंशिएशन सीख क्या रहा है. और वी कैन राइट दिस एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई रेस टू 2x, ई रेस टू द पावर 2x, ऐसा आ गया भैया डेरिवेटिव. अब देखना जरा, अब ये जो 2 है ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. अब ये ई रेस टू 2x जो है ये भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब इस पॉजिटिव वैल्यू में आप इस पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगा. सो मैं यहां लिखता हूं, ये जो e लिखा दिख रहा आपको, इस e की वैल्यू होती है e इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ये वैल्यू होती है e की. टू से बड़ी और थ्री से छोटी, 2.732 ऐसी वैल्यू है, ये टू और थ्री के बीच में आती है, 2.7 बोल सकते हैं, 2.7 अप्रोक्स, 2.7 अप्रोक्सीमेटली, 2.7 जो है टू से बड़ी और थ्री से छोटी. तो ये वाली वैल्यू जब अपन यहाँ रख देंगे और इसकी पावर 2x, अब x की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो ही आएगा. अगर सपोज आपने x की वैल्यू जीरो रख दी, यहाँ पे जीरो रख दिया आपने, तो ये e की पावर जीरो हो जाएगी, इसकी पावर जीरो हो जाएगी, आपकी 2.7 की पावर जीरो, तो ये वन हो जाएगा आपका, e रेस टू द पावर जीरो वन होता है ना. तो और जैसे आपने कोई नेगेटिव वैल्यू रख दी, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे जैसे -1 रख दिया आपने, है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए आपने 1 के अपॉन में उसको लिखे, ये 1/e^2 हो जाएगा ऐसा. अब जब इसको जब आप सॉल्व करेंगे और 1 को जब आप इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 2 से बड़ी 3, तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी. आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो उसके लिए आपको इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी. ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा. ये रीजन लिखा हुआ है, ये सफिशिएंट है इसके दिखाने के लिए कि e की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा फॉर ऑल रियल x. सो दैट इज f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर All x belongs to real. x की कोई भी real value रख दो आप तो उसके लिए greater than 0 है. और जैसे ही अपने पास में लगा, अपने को मिला कि इसका derivative 0 से बड़ा ही आएगा, मतलब positive quantity आएगी, इसका मतलब ये हो गया कि f is strictly increasing on R. जैसा question में लिखा था वैसा लिख दो, hence proof. ये प्रूफ हो गया आपका, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है.